से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। फिरोजवाला से आपको आगाह करते चले, फिरोजवाला पैसों की खातिर इंसाफ बिकने लगा। शेखुपुरा के थाना फैक्ट्री एरिया में तैनात सब इंस्पेक्टर गुलाम मोहम्मद ने पैसों की खातिर आंखें बंद कर ली। अफसरान की मिलीभगत से कत्ल में शामिल संगीन मुलजिमान को भारी रिश्वत देकर बेगुनाह साबित कर दिया गया। गुज़िश्ता माह फिरोजवाला के इलाका नैनसुख में इब्रार हुसैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम जाहिद ने मुलजिमान ताहिर और यूसुफ के अमराव फायरिंग करके मुलजिम इब्रार हुसैन को घात लगाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा थाना फैक्ट्री एरिया में दर्ज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीशी अफसर गुलाम मोहम्मद ने मुलजिमान से भारी रिश्वत देकर मुलजिम ताहिर और मुलजिम यूसुफ को बेगुनाह करार दे दिया, जबकि इससे कबल तफ्तीशी अफसर खुद ही मुलजिमान को अपने सफा मसल पर गुनाहगार लिख चुका था। क्या अफसरान की मिली भगत और भारी रिश्वत वसूल करके सब इंस्पेक्टर ने मुलजिमान को बेगुनाह करने के लिए सफा मसल तब्दील कर डाला। सब इंस्पेक्टर की रिश्वत लेने की वीडियो भी मंजरेआम पर आ गई, मगर तहाल अफसरान की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई सामने नहीं आई। मुदई मुकदमा ने आला अफसरान से और वजीर अला पंजाब से अपील की है कि मुलजिमान को इनके जुर्म के मुताबिक सजा दी जाए और इस तरह के रिश्वत लेने वाले अफसरान को महकमा से निकाला जाए। इस तरह की काली भेड़ें महकमा की इज्जत और साख को नुकसान पहुंचाती है, जिससे महकमा का मोराल डाउन होता जा रहा है।